तो आज मैं पहन के जा रहा हूँ ये जो कुर्ता मैंने पहना हुआ। तो गाइस फिलहाल तो अभी हम हमारी सोसाइटी में ही देख रहे हैं मकान, अगर मिल जाए। What's up, you lovely people? Welcome back to my YouTube channel, The Side Me Nakshatra, again back with another new video. Hope you all are doing good. तो आज अभी ना इतना प्यारा मौसम हो रहा है कि भाई मतलब बारिश ही नहीं हो रही है, बस मौसम तो बहुत प्यारा हो रहा है। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मौसम तो इतना प्यारा हो रहा है लेकिन बारिश नहीं हो रही, लेकिन मौसम बारिश जैसा ही हो रहा है। तो वेट करते हैं, अगर पानी आता है तो अच्छी बात है। एक बात और, मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, सब लोग यहाँ पे रेडी बैठे हुए हैं। पीछे मेरे पापा के जो पुराने स्कूल था उसमें आज पापा का फेयरवेल है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, इसलिए हम लोग जल्दी रेडी हो गए हैं। जल्दी नहीं, 2 बज चुकी है, मैं 2 बजे ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। जी हाँ, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। अब जल्दी से निकलते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं क्योंकि सुबह से कुछ खाया भी नहीं हम लोगों ने, केवल ब्रेकफास्ट किया था, थोड़ा बहुत और नाश्ता किया था। और अभी हम लोग निकलते हैं फटाफट पापा के स्कूल की ओर, लेकिन हमको जाना पड़ेगा ऑटो से। तो हम अभी वेट कर रहे हैं कैब का, कैब आता है वैसे ही नीचे जाते हैं और निकलते हैं पापा के स्कूल और वहाँ पे कुछ शॉट्स लेते हैं पापा के फेयरवेल के। आज ना मैंने मेरी हेयर स्टाइल भी बहुत दिनों बाद पुरानी वाली की है, साइडेड ये दिख रही होगी, कमेंट करके बताना कैसी लग रही मेरी हेयर स्टाइल नहीं। तो अब निकलते हैं जल्दी से, लेकिन कैब वाला अभी नाटक कर रहा है, तो कैब हो जाए उसके बाद ही निकलेंगे। तो बस वेट करते हैं थोड़ा बहुत और फिर चलते हैं। तो आज मैं पहन के जा रहा हूँ ये जो कुर्ता मैंने पहना हुआ है, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा वीडियो में किसी, लेकिन ये मैं अभी पहन के जा रहा हूँ। नीचे जीन्स डाली है ग्रे कलर की बस, और नीचे जूती डाल लेंगे और निकलते हैं जल्दी, कैब वाला बुक हो चुका है। तो चलिए वेट करते करते यहाँ आ गई हमारी कैब और अब हम जा रहे हैं। और बाहर मौसम बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है बारिश जैसा, तो अब जल्दी से पहुँचते हैं पापा के स्कूल पर। गाइस तो हुआ यूँ कि कॉलेज पहुंचते ही बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ आने लगी, और जितना भी मैंने रिकॉर्ड किया उसमें बारिश की आवाज़ ज़्यादा और पापा की आवाज़ और बाकी टीचर्स की आवाज़ कम आ रही थी। तो मुझे यहाँ पर वॉइस ओवर करना पड़ा बिकॉज वो रूम भी काफ़ी ज़्यादा छोटा था और यहीं पे बस पापा की विदाई पार्टी चल रही थी, और भी कुछ टीचर्स थे जिनकी विदाई वहाँ से हो रही थी और वो दूसरा स्कूल ज्वाइन करने वाले थे। तो थोड़े बहुत शॉर्ट्स मैंने लिए हैं, आप उसी को इन्जॉय कीजिए। सो गाइज हम लोग वापस घर आ चुके हैं। हम लोग जैसे ही स्कूल पहुंचे पापा के इतना तेज पानी आया ना कि कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया बाहर का, तो थोड़ा बहुत ऑटो में ही रिकॉर्ड किया। और सडनली जैसे स्कूल पहुंचने वाले थे जो खतरनाक तरीके से बारिश हुई, और अब देखो मौसम वापस पूरा खुल गया है। ऐसा नहीं कहूँगा कि खुल गया, लेकिन हाँ बहुत प्यारा मौसम हो गया है। यहाँ पे ओशी खड़ी हुई है, मज़े से इंजॉय कर रही है, बहुत बढ़िया। अभी ना गाइस इसने वो बच गया है, वैसे गिरा नहीं, नेल कटर वो नीचे गिरा देती, देखो कितना बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अभी अगर कोई नीचे होता तो वो किसी के ऊपर गिर जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब हम लोग ना खाना वाना खा, हम लोग खाना भी वहीं पे था, खाना भी वहीं खा के आए। हम लोग पापा का फेयरवेल था, पापा तो फिर अभी सो रहे हैं, तो उनसे बाद में मैं आपको मिलवाऊंगा और उनसे पूछूंगा कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका पुराने स्कूल में, ठीक है। तो अभी हम लोग का डिसाइड ये हो रहा है बाहर जाने का, क्योंकि हमको जाना है ग्रेसी के लिए रूम देखने, रूम या फिर हॉस्टल जो भी कंफर्ट रहेगा वो देखना है। और हाँ, मैं केशव के साथ भी आज रूम देखने वाला था, लेकिन पापा ने सडनली बताया कि आज फेयरवेल पार्टी है तो वहाँ जाना है। अब पापा ने पहले नहीं बताया, क्या पता इसको बताया होगा उसी को, तो मुझे तो नहीं बताया था, तो इसलिए फिर हम लोग सडनली गए वहाँ पर और फिर जल्दी जल्दी आए, जल्दी जल्दी गए। तो अब जो है फिलहाल तो हम रूम देखने जा रहे हैं, देखते हैं आसपास ही हमारे सामने बहुत मल्टियाँ भी हैं, तो अगर यहाँ मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर बाहर कहीं देखना पड़ेगा। तो चलते हैं हम जल्दी से। तो गाइस फिलहाल तो अभी हम हमारी सोसाइटी में ही देख रहे हैं मकान, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है यहीं पे, वरना देखते हैं फिर बाहर जाके देखना पड़ेगा। तो
गाइस दिस इज द वेरी सेकंड डे। कल मकान वगैरह देख के आए, फिर बहुत ज्यादा थक गए थे तो फिर व्लॉग नहीं बनाया, और थोड़ा बहुत बाहर भी जाना था तो फिर मैं नहीं बना पाया व्लॉग। अभी ये नेक्स्ट डे है तो अभी जल्दी से हम लोग दूध बनाते हैं हमारा और दूध पीते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, मतलब कल भी मैंने व्लॉग नहीं कर पाया था इसलिए कुछ इशू के कारण। तो अब जल्दी से दूध बनाते हैं और दूध पीते हैं, फिर मेडिटेशन भी करना है आज, तो फटाफट से चलते हैं किचन के अंदर। तो हम आ गए किचन के अंदर, यहाँ पर दूध ऑलरेडी गर्म रखा है, आई गेस नहीं है, ठंडा है, तो कल की तरह दूध वापस गर्म करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से कुकर को इधर शिफ्ट कर देता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ इसको, और इंडक्शन ऑन कर देता हूँ, इसका टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं। दूध गर्म हो रहा है तब तक मैं ग्लास ले लेता हूँ, एक ग्लास में अब हम डालेंगे बॉर्नविटा और जल्दी से दूध बनाते हैं हमारा। नए नए आम मैं आपको बता दूँ कहाँ से आए हैं, वो जो आपको सामने पेड़ दिख रहा है आंटी के यहाँ पर, ये उस पेड़ के आम हैं, आंटी ने स्पेशली भेजे हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि मम्मी की थोड़ी दोस्ती अच्छी है उनसे, तो आंटी ने हम लोगों के लिए आम भेजे हैं। तो अब टेस्ट करेंगे दिन में उसको नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी नहीं, अभी तो इस ब्लॉग को एंड भी करना है क्योंकि ज़्यादा लंबा ब्लॉग मैं बना नहीं पा रहा हूँ अभी, क्योंकि कंटेंट नहीं है। अगर कंटेंट होता तो पब्लिक देखती, राइट? तो जब तक अच्छा कंटेंट नहीं होगा, धीरे धीरे इम्प्रूव होती है चीज़ें, आई नो, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। फिलहाल तो अभी हम दूध पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो यहाँ हमारा दूध गर्म हो रहा है, थोड़ा और गर्म हो जाने देते हैं, फिर ग्लास में डालते हैं, उसके बाद दूध को एंजॉय करते हैं। यहाँ पे हमारा दूध बढ़िया सा गर्म हो चुका है, मेरा हाथ जल गया, तो अब जल्दी से मैं अपने ग्लास में डालता हूँ दूध को। हाथ जल रहा है भाई, बिना सनसी के नहीं डाल पाऊंगा मैं। तो इससे पकड़ते हैं हम और इसमें दूध डाल देते हैं। तो यहाँ आ गया है हमारा दूध, अब इसको जल्दी से मैं मिक्स कर लेता हूँ, वरना आप लोग भी बोर हो जाओगे। ठीक है, तो ये हमारा दूध मिक्स हो गया है। यहाँ हमारा रखा है बिस्किट का पैकेट, वही कैश्यू वाला, तो अब मैं इसको एंजॉय करके आपको मिलता हूँ। सो गाइज, फाइनली आई एम डन विथ माई मेडिटेशन, और कल ना पापा से बात भी नहीं हो पाई थी, मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका पुराने स्कूल में, क्योंकि मैं लेट हो गया था मकान वगैरह देखने में, फिर कहीं बाहर चले गए थे मैंने, जैसा आपको बताया अभी कुछ देर पहले ही। तो अभी जस्ट मेडिटेशन कंप्लीट करके मैं निपटा हूँ, अब मैं नहाने जाऊंगा, तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ आपको मैं नहाने के बाद। फिलहाल तो मैं अभी ये जो बीटरूट का जूस है, चुकंदर का जूस है, वो पी रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना मेरे पैर बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं, मैं बहुत ज़्यादा बीमार तो रहा था बीच में, तो अब जो है रिकवरी करना ज़रूरी है, तो अब वर्कआउट करना भी स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। अभी मेडिटेशन कर रहे हैं, माइंड को स्टेबल कर रहे हैं। और एक बात और मैं बता दूं कि मैं ना 3 काउंसलिंग कर चुका हूं अपने कॉलेज के लिए, मुझे स्कूल ऑफ एजुकेशन चाहिए, लेकिन वो पता नहीं मुझे मिल ही नहीं पा रहा है, मेरे 70% है, फिर भी क्या छोड़ो, जो किस्मत में लिखा होगा वही होना है। तो आज 3rd लिस्ट आई थी मॉर्निंग में, दीदी ने बताया, तो उसमें ही मुझे वैष्णव कॉलेज अलॉट हुआ है बीएड करने के लिए, लेकिन मुझे वहां से बीएड नहीं करना है। तो अभी मैं, अगर सीएलसी राउंड होता है तो मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ, अदरवाइज देखते हैं जो किस्मत में लिखा होगा वही होना होगा। तो फिलहाल उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर किसी भी रीजन से ये ब्लॉग आज का आपको अच्छा लगा हो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, घंटे का आइकन भी बजा दिया करो गाइस, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे ब्लॉग के आने का। तो जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय।